सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री में वेद। देखिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और उपवेद, वेद और उपवेद दोनों पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से समझते चलेगा। देखिए फ्रेंड्स, वेद क्या होता है, तो सबसे पहले वेद को समझेंगे, उसके बाद उपवेद देखेंगे। तो देखिए वेद के चार भाग होते हैं, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, वेद जो होता है उसका अर्थ ज्ञान होता है, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो वेद होता है उसका अर्थ ज्ञान होता है, ये अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा। और देखिए वेद के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं, जो तो देखिए वेद का जो पहला भाग होता है ऋग्वेद, दूसरा भाग यजुर्वेद, और जो तीसरा फ्रेंड्स होता है वो सामवेद, और चौथा देखिए फ्रेंड्स अथर्ववेद। देखिए सभी इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से समझते चलेगा, सभी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए इन्हीं के आधार पे धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र की रचना हुई है, मतलब चारों वेदों को मिला के इन सबों की रचना हुई है। तो फ्रेंड्स, और देखिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऋग्वेद को। तो देखिए ऋग्वेद होता क्या है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स ऋग्वेद, तो देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद सबसे पहला वेद होता है, मतलब सबसे प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, और जिसमें 11,000 मंत्र हैं, सभी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और आगे देखिए फ्रेंड्स, इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सौर चिकित्सा, मानस चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आदि की जानकारी ऋग्वेद से मिलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इतनी जानकारी है सब ऋग्वेद से मिलते हैं। और आगे देखिए फ्रेंड्स ऋग्वेद के सातवें मंडल, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, दशराग्य युद्ध, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऋग्वेद के सातवें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है, इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए यह परुषणी आधुनिक नाम रावी नदी के तट पे हुआ था, और देखिए फ्रेंड्स सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें सूरदास विजय हुआ था। और आगे देखिए फ्रेंड्स ऋग्वेद के दसवें मंडल में पुरुष सूक्त का जिक्र मिलता है फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। और देखिए फ्रेंड्स, और जो नौवां मंडल है देवता सोम का उल्लेख है नौवें मंडल में, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सबको अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे यजुर्वेद, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए यजुर्वेद क्या होता है, तो देखिए यजुर्वेद में कर्मकांड प्रधान है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जो यजुर्वेद है उसमें कर्मकांड प्रधान है। और देखिए फ्रेंड्स, इसका पाठ करने वाले ब्राह्मणों को अर्धयु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अर्धयु कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यह एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद्य दोनों में है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद्य दोनों में है, यजुर्वेद इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और आगे समझेंगे फ्रेंड्स सामवेद। देखिए फ्रेंड्स, सामवेद को अच्छे से समझिए आप लोग। तो देखिए सामवेद, जो साम का अर्थ रूपांतरण और संगीत, सामवेद यहाँ पे रहेगा फ्रेंड्स, सामवेद का अर्थ रूपांतरण और संगीत। और देखिए फ्रेंड्स, सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है सामवेद। और देखिए फ्रेंड्स, सामवेद में सामवेद को
संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है, मतलब यह संगीत शास्त्र में का मूल माना जाता है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, सामवेद में सविता, अग्नि और इंद्र देवताओं के बारे में जिक्र मिलता है। और सबसे देखिए, यह सामवेद का बस एक चीज़ समझ लीजिए, इम्पोर्टेंट है, संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है, यह संगीत के बारे में इसका उल्लेख होता है। और आगे समझेंगे फ्रेंड्स, अथर्ववेद, ये भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जितने भी सबको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए अथर्ववेद जो होता है सबसे बात का वेद है, और देखिए सबसे जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, और सबसे बात का वेद अथर्ववेद। और देखिए फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, इस वेद में मतलब अथर्ववेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ी बूटियों, चमत्कार और आयुर्वेद आदि का जिक्र है अथर्ववेद में। और देखिए फ्रेंड, अथर्ववेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, अंधविश्वासों का वर्णन है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग समझेंगे उपवेद, सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर से देखने को मिलेंगे। अब देखिए अक्सर यहीं से क्वेश्चन बन रहा है। तो देखिए ऋग्वेद का जो उपवेद होता है आयुर्वेद होता है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। देखिए यह किससे संबंधित होता है, तो देखिए यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद होता है और यह चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स यजुर्वेद, तो यजुर्वेद का उपवेद जो होता है वो धनुर्वेद होता है। जितने भी अच्छे से आप लोग समझते चलिएगा फ्रेंड्स, देखिए यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और यह देखिए युद्ध शास्त्र से संबंधित है, जो यजुर्वेद का उपवेद है यह युद्ध शास्त्र से संबंधित होता है। और देखिए फ्रेंड्स सामवेद, देखिए भी इम्पोर्टेंट है, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद होता है। जितने भी हैं सब अच्छे इम्पोर्टेंट हैं, तो सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, और देखिए यह किससे संबंधित होता है, तो यह संगीत शास्त्र संबंधित होता है, सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यह संगीत शास्त्र से संबंधित है। और देखिए फ्रेंड्स अब समझेंगे अथर्ववेद, और देखिए अथर्ववेद, तो देखिए अथर्ववेद का जो उपवेद होता है वो स्थापत्य वेद होता है, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए यह किससे संबंधित होता है, तो यह भवन निर्माण से संबंधित होता है, इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए फ्रेंड्स, यह बहुत इम्पोर्टेंट, अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे।